आदित्य भाई इतने अच्छे हैं कि साथ में एक ही प्लेट में बैठकर खा रहे हैं। अगर कोई मिलना चाहते हैं तो कैसे आएंगे? रिक्स लेगा, रिक्स लेके आना पड़ेगा। और नहीं, सारा वीडियो आप देख लीजिए, पता चलेगा। हाँ, कि कहाँ बोलेंगे यही कि भैया काफी दूर से आए, कहाँ पड़ गया घर आपका? मेरा घर इलाहाबाद है, यूपी से आए हैं, तो करीबन एक दो दिन तो लग गया होगा ना यहाँ? हाँ, दो दिन लगा। सो हे गाइस, अभी मॉर्निंग हो गया है और मैं हूँ आदित्य भाई के साथ। और फिलहाल अभी हम लोग आज निकलने वाले हैं और जाएंगे एक यूट्यूबर से मिलने, जो कि राजा ब्लॉग करके चैनल है। एक मतलब बोल दिए कि भैया बिहार आ गए, तुमसे भी मिल लीजिए। हाँ, तो उनके पास भाई कॉल कर रहे हैं, अब देखते हैं क्या उनका रिस्पॉन्स आता है, कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो भाई, हाँ भैया। हेलो। हाँ भैया, बोले कि मतलब आपका गाँव कहाँ पड़ता है? हाँ 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 और ठीक है, चलिए। हाँ, तो वही मतलब पूछ रहे थे कैसे जाएंगे दोनों भैया, एक इलाहाबाद से थे बाद में, एक फिर एमपी से आ गए, 200 किलोमीटर साइकिल चला। हाँ, ये बात कीजिए सर। हाँ भैया, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, आपसे मिलना था। हाँ हाँ, आइए आइए। ठीक है, चलिए। बस बस गांव हम लोग नहीं जान देते। अच्छा अच्छा, गांव। ठीक है, कोई बात। आदित्य तुम नहीं आएगा? हमको भी काम है ना, ये मतलब हम थोड़ा अथी बनाते हैं ना, वाइंस वीडियो। अच्छा अच्छा, तो उसमें अभी आना। ठीक है, हम मैसेज करेंगे स्टाफ पे। ठीक है, इंस्टा पर हमको मैसेज नहीं करना, आप व्हाट्सअप कर सकते, कॉल कर सकते। कॉल हम करते हैं, व्हाट्सअप हमको इंस्टा चलाने नहीं आता, इसीलिए बहुत आदमी हमको पूछता है। अच्छा, सुनो ना आदित्य, अभी थोड़ा हम एक एल्बम शूट कर रहे हैं, लेकिन तुमको बुलाएंगे उस दिन आना है ना, मना मत करना। आने होगा तब तो। घर वाले को परमिशन नहीं देते हैं। कैसे नहीं देंगे, हम बात कर लेंगे उन सबसे। ठीक है ठीक ठीक है, गाँव घुमाएंगे पूरा। ठीक है ठीक है भैया, ठीक है। हम सबको बोल दिए गांव का नाम सरारी पड़ गया। ठीक है यार, गाइस कॉल किए अभी, बोले कि ठीक है आ जाइए। हेलो गाइस, देखिए आदित्य भाई हमारे लिए खाना निकाल रहे हैं। कितने प्यारे यूट्यूबर है, देखिए। कोई ऐसा करेगा तो मैं क्या बोलूं, मतलब जवान नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। कोई नहीं करेगा ऐसा यूट्यूबर, शायद ही आप देख पाओगे। इतने प्यारे यूट्यूबर कि हमारे लिए खुद अपने हाथों से खाना निकाल रहे। राजा ब्लॉग के यहाँ जाने से पहले आदित्य भाई बोले चलो खाना खा लो, और भाई खा रहे हैं और मैं भी अभी खाने जा रहा हूँ आदित्य भाई के साथ। एक ही थाली में खाऊंगा आज। ठीक है आदित्य भाई, स्टार्ट करो। गाइस, आदित्य भाई इतने अच्छे हैं कि साथ में एक ही प्लेट में बैठ कर खा रहे हैं। बहुत ही अच्छे है भाई आदित्य भाई, ऐसा शायद कोई भी यूट्यूबर नहीं करेगा, एक ही साथ में खा लेते। पहली बात, ऐसा यूट्यूबर मिलेगा ही नहीं कि खाना खिलाए घर पे रखे, कोई नहीं करेगा। ये कर रहे हैं और साथ में खाना खा रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगा, आंखों में पानी आ गया है। काफी अच्छा भी लग रहा है, ऐसा नहीं सोचे थे कि इतना रिस्पेक्ट। तो वीडियो को कंटिन्यू करना। फाइनली गाइस, अभी मैं और मुंबई वाले भाई साथ में भी निकलेंगे, और आदित्य भाई की जो खास फ्रेंड है वो आयुष भाई, उनको बुलाने जा रहे हैं। आयुष भी आ चुका है अभी, आयुष भाई हमको स्टेशन पे छोड़ने जा रहे हैं। आयुष भाई और आदित्य भाई और ड्रॉप करने जा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, जाने का मन नहीं कर रहा है, बट जाना पड़ेगा यार। ठीक है गाइस, आदित्य भाई हम लोग को ड्रॉप करके स्टेशन पे, और आयुष भाई आदित्य भाई दोनों अब जा रहे हैं, और भाई नेक्स्ट टाइम जरूर आएंगे। हाँ जरूर। ओके बाय। अगर कोई मिलना चाहते हैं तो कैसे आएंगे? रिक्स लेगा, रिक्स लेके आना पड़ेगा। और नहीं, सारा वीडियो आप देख लीजिए, पता चल जाएगा। हाँ, कि कहाँ पे गांव है इनका, तो सारा वीडियो आदित्य भाई का देख लीजिएगा, वहाँ पे पता चल जाएगा कौन सा गांव है। तो गाइस, तो मेहनत करना ही पड़ेगा। तो आज भाई ओके बाय, नेक्स्ट टाइम जरूर मिलेंगे। मैं नहीं जा रहा, मैं इनके साथ प्रयागराज तक जाऊँगा। ठीक है ठीक है, तो ये हमारे साथ है भाई, हमारी ट्रेन अभी 15 मिनट में आ रही है, और जैसे आती है आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। गाइस, अभी हम लोग ट्रेन पे आ चुके हैं, और अभी ट्रेन 2 मिनट बाद तुरंत चलेगी, क्योंकि ये लोकल ट्रेन है। अभी मुझे यहाँ से निकलना है समस्तीपुर, तो यहाँ से करीब 1 घंटा लग जाएगा, और फिर वहाँ से जाना है, फिर वहाँ से राजा ब्लॉक के पास जाना है। तो फिलहाल गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं समस्तीपुर स्टेशन, और फ़ोन चार्ज नहीं है हमारा, वो सोच रहे हैं फ़ोन चार्ज कर लेते हैं फिर निकलते हैं। अभी हमारा फ़ोन चार्ज हो चुका है यहाँ पे, अभी हम लोग रेस्ट किए और फ़ोन भी चार्ज हो चुका है। अब हमें यहाँ से देखते हैं बस मिलता है कि ऑटो मिलता है राजा ब्लॉक भाई के पास जाने के लिए। अब अभी हम लोग यहाँ से बस स्टैंड 1 किलोमीटर है,
बट अभी यहाँ से हम लोग पैदल जाना पड़ रहा है, ये मार्केट है समस्तीपुर का, तो हम लोग बस स्टैंड पे चलते हैं फटाफट। फाइनली गाइस हम लोग को बस मिल चुकी है और बस का किराया 70-70 रुपये है, दोनों का 140 रुपये लग चुका है और वहाँ से और लगेगा क्योंकि अभी हम लोग पूरे लोकेशन पे नहीं पहुँच रहे हैं, अभी स्टेशन पे ही है। हाँ बस स्टैंड। फाइनली यार बोरिंग सा फील हो रहा है यार, और यहाँ से फिर जाएंगे फिर उनके गांव के लिए, फिर वहाँ से जहाँ उतरेंगे वहाँ से 9 किलोमीटर है उनका गाँव, तो बट देखते हैं आगे क्या का सीन होता है। फाइनली गाइस अभी हम लोग ऑटो मिल चुका है यहाँ से 9 किलोमीटर है, अब फिलहाल अब यहाँ से चलते हैं, देखते हैं आगे का क्या डिसीजन होता है राजा ब्लॉग भाई का। तो यहाँ का मतलब 9 किलोमीटर का 50 रुपये जन का मांग रहे हैं और हमारी साइड तो 10 रुपये लगता है भाई, 10 किलोमीटर का 10 रुपये यार बहुत ज़्यादा लूटते हैं यार भाई। क्या कह ली गाइस, यहाँ से राजा ब्लॉक का घर यहाँ से 10 किलोमीटर है, तो ये अंकल थे, अंकल को बोला कि अंकल भूख लगी है, तो अंकल ने कुछ व्यवस्था कर रहे हैं खाने पीने का, तो वहीं पे हम लोग रुके यार, भूख लगी है जोर से, बट क्या करूँ कुछ तो करना पड़ेगा। अंकल काफ़ी हमारे लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, खाना लेके आ रहे हैं, तो यार गाँव के आदमी काफ़ी अच्छे हैं। फाइनली गाइस खाना वाना हो चुका है और अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे और भीड़ काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ की जो है गांव की पब्लिक बहुत ही अच्छी है। तो गाइस अब आगे का क्या सीन होता है, मिल पाते हैं कि नहीं, अब उनके घर की साइड चलते हैं। अभी मैं आ गया हूँ उनके चौक पे, तो अभी कॉल किया था राजा भैया को, बोले कि रुको वहीं पर आ रहे हैं और जैसे ही आते फिर उनके घर पर चलते हैं। राजा भैया के पापा जी आ गए, नमस्ते। नमस्ते। और अंकल जी कैसे हैं आप? ठीक है। राजा भैया कहाँ है? तो चले गाइस राजा भैया के यहाँ पे आ चुके हैं और राजा भैया देखिए हमारे पूरे सेवा करने में लग चुके हैं और खाना वाना आ चुका है यहाँ पे, भाई साहब भी खा रहे और मुझे भी आ गया, मैं भी खाने चल रहा हूँ। गाइस अभी राजा भैया हमको खाना वाना जबरी खिलाया, जबकि अभी हम लोग खा के आए थे रास्ते में, बट राजा भैया जबरी बोले कि नहीं बुरा लगेगा हमको, आप नहीं खाएँगे। तो राजा भैया आप कुछ बोलिएगा तो हम बोलेंगे यही कि भैया काफ़ी दूर से आए, कहाँ पर गया घर आपका? मेरा घर इलाहाबाद है, यूपी से आए हैं, तो करीबन एक दो दिन तो लग गया होगा ना यहाँ? हाँ 2 दिन लगा। तो अभी आए थे भैया तो बोले कि खाना वाना खा करके आए हैं, तो मैं बोला ऐसे कैसे चलेगा खाना खा करके आए हैं, घर है तो घर में कैसे खाना नहीं खाइएगा, काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं मानना पड़ेगा है ना, और फेस वेस से लग रहा है कि बहुत ज़्यादा 2-3 दिन से अच्छे से जो है ना स्ट्रगल दबा के किए हैं। तो आप लोग क्या करना है कि चैनल को दबा के सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट करना है, इस तरह बात नहीं भैया जी। राजा भैया का भी जल्दी से 200K कम्प्लीट हो जाएगा तो काफ़ी खुशी हम लोग को भी होगी। बट चलिए दोस्तों कल का ब्लॉग मतलब आज का ब्लॉग मैं यही एंड करूँगा और कल एक प्यारे से ब्लॉग में मिलते हैं, तो तब तक के लिए बाय। जय कल वाले ब्लॉग में इनको अपना गांव घुमाएंगे, कल वाले ब्लॉग में राजा भैया अपना गांव का पूरा टूर कराएंगे। तो ठीक है राजा भैया आज का ब्लॉग एंड कर देते हैं। हेलो फ्रेंड।